सो टिल नाउ वी हैव सीन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द टाइप, जहाँ पे हमारे पास यहाँ होता था एफ इनवर्स, किसी फंक्शन का इनवर्स, एंड देन इसके अंदर होता था हमारे पास वही सेम फंक्शन एंड सम एंगल. जहाँ पे हमने क्या किया था, जहाँ पे हमने इस एफ इनवर्स को इस एफ के इफेक्ट से कैंसिल आउट किया था, और हमारे पास यहाँ जो एंगल बचता था, हम चेक करते थे कि क्या वो एंगल इस फंक्शन के इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है कि नहीं करता. अगर वो करता था तो हम लोग उसको आंसर लिख देते थे, अगर वो नहीं करता था देन हम लोग कुछ आगे प्रोसीजर्स को अप्लाई करते थे. ऑल राइट, नाउ अब हमें डील करना है इस टाइप की प्रॉब्लम्स के साथ, जहाँ पे हमारे पास यहाँ कोई फंक्शन होता है और किसी और फंक्शन का इनवर्स के साथ यहाँ कोई वैल्यू लिखी होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं साइन फंक्शन यहाँ लगा हुआ है और कॉस इनवर्स में कोई वैल्यू मान लीजिए यहाँ लिखी हुई है आपके पास. नाउ मैंने आपको सिखाया था कि आप लोग हमेशा सेम फंक्शन के इनवर्स को सेम फंक्शन से ही कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है साइन फंक्शन और इनवर्स फंक्शन है आपके पास कॉस इनवर्स फंक्शन. आप लोग कभी भी साइन फंक्शन को कॉस इनवर्स से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों अलग अलग फंक्शन हैं. ऑल राइट, नाउ आपको एक काम करना पड़ सकता है, आप लोग अगर यहाँ पे इसको कॉस इनवर्स को चेंज कर दें साइन इनवर्स के अंदर, देन आप लोग इजीली इस साइन फंक्शन को उस साइन इनवर्स फंक्शन से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ जो वैल्यू बचेगी वही हमारा आंसर होगा. ठीक है, अब हमारा मेन टास्क होगा कैसे हम लोग किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स को किसी और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं. ऑल राइट, सो उसके लिए आप लोग एग्जाम्पल देखिए जल्दी से. मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर ये है आपके पास परपेंडिकुलर, ये है आपके पास बेस, और ये है आपके पास हाइपोटेन्यूस, और ये है आपके पास सिंपली एक थीटा. ठीक है, सो आप सबको पता है कि साइन थीटा जो आपका होता है इस रूल के हिसाब से वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस. ओके, और कॉस थीटा जो आपके पास होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस. ऑल राइट, सो क्या आप यहाँ से बोल सकते हैं अगर हमने यहाँ पे बोथ साइड्स साइन इनवर्स को अप्लाई किया तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एंड पी बाई एच. सिमिलरली आप बोल सकते हैं यहाँ पे आप लोगों ने दोनों साइड कॉस इनवर्स फंक्शन से मल्टीप्लाई किया तो आप बोल सकते हैं कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स बी अपॉन एच. सिमिलरली अगर हम और भी काम करें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने कहा हम बोल सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है पी बाई बी, और अगर हमने यहाँ पे टेन इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स पी बाई बी. याद रखिएगा अब आप लोग बार बार टेन इनवर्स मल्टीप्लाई वाला केस नहीं लिखेंगे, आप लोग देखेंगे जो फंक्शन यहाँ लगा हुआ है उसी को आप डायरेक्टली यहाँ पे इनवर्स के फॉर्म में लिख देंगे. ऑल राइट, सिमिलरली आप बोल सकते हैं कॉट इनवर्स बी बाई पी इज इक्वल्स टू भी आपको मिल जाएगा थीटा. ओके, सिमिलरली ये होता है आपका कोसेक, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स वॉट एच बाई पी, और ये होता है आपका sec, तो थीटा इज इक्वल्स टू sec इनवर्स वॉट h बाई बी. ओके, तो एक चीज नोटिस कीजिए आप लोग, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स में ये है, थीटा की सेम वैल्यू कॉस इनवर्स में ये है, थीटा की सेम वैल्यू टैन इनवर्स में ये है, थीटा की सेम वैल्यू कॉट इनवर्स में ये है, थीटा की सेम वैल्यू कोसेक इनवर्स में ये है, और थीटा की सेम वैल्यू sec इनवर्स में है. यानी कि ये सब के सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इनवर्स वाले सब आपस में लिंक्ड हैं. वो कैसे, ये सब के सब वैल्यूज़ इक्वल ही हैं. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स पी बाई एच मस्ट बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वॉट बी बाई एच मस्ट बी इक्वल्स टू टैन इनवर्स पी बाई बी एंड मस्ट बी इक्वल्स टू कॉट इनवर्स वॉट कॉट इनवर्स बी बाई पी एंड मस्ट बी इक्वल्स टू, सब कुछ इक्वल्स में याद रखिएगा, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एच बाई पी एंड दिस इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स वॉट एच बाई बी. सो जब कभी भी आपके पास कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिलती है आपको, देन उसको आप लोग बड़े आराम से किसी और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये सब कुछ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम लोग बोल सकते हैं इस फंक्शन को कि ये फंक्शन हमारा बन सकता है साइन
यहाँ पे था हमारे पास cos इनवर्स, तो हमने इसको चेंज करके बोल दिया sin इनवर्स की फॉर्म में, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ चेंजेस होंगे और अब ये sin से sin इनवर्स फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारे पास यहाँ पे आंसर बचेगा वही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। याद रखिएगा, जब कभी भी आप लोग ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप लोगों का जो ये इनपुट है यानी कि साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट लग रहा है वो साइन इनवर्स की डोमेन से लाई करना चाहिए, बिकॉज आप किसी फंक्शन में इनपुट वही डालते हैं जो उसके डोमेन में लाई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर वो वैल्यू है जो साइन इनवर्स के डोमेन में लाई करती है देन आप लोग इसको कैंसिल आउट कर देंगे और जो यहाँ पे वैल्यू लिखी थी आपने वही वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, सो मैं जाते जाते एक कंसेप्ट लिखवा देता हूँ आप लोगों को जहाँ पे मैं सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के डोमेन्स लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग जब कैंसिल आउट करें तो आपके माइंड में रहे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्रॉपर वैल्यू है या नहीं। हालांकि CBSE की गाइडलाइंस के हिसाब से और NCERT बुक्स में हमारे पास वही सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे जो अपने इनवर्स के रेस्पेक्टिव डोमेन्स में लाई कर रहे होंगे, तो हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई डिफिकल्ट वैल्यू दे दे जो इसके डोमेन में लाई ना कर रही हो। ओके, तो फटाफट देखिए हम लोग कैसे करने वाले हैं इस चीज़ को। ओके, सो यहाँ देखिए हम लोगों को पता है, आप ये 3-4 पॉइंट्स याद कर लीजिए। आप लोग जानते हैं साइन, और अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो इसका आंसर हमारे पास आएगा एक्स, बशर्ते एक्स आपका बिलोंग करना चाहिए साइन इनवर्स के डोमेन से। इसका डोमेन क्या होता है? -1 से लेके 1। सिमिलरली आपका जो कॉस, और यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स एक्स होगा तो इसका भी आंसर आएगा आपके पास एक्स, बशर्ते आपका एक्स बिलोंग करना चाहिए -1 से लेके 1 में। सिमिलरली आपका टैन, और यहाँ पे अगर टैन इनवर्स एक्स है देन आपका इसका भी आंसर आएगा एक्स, बस कंडीशन क्या है कि आपका एक्स बिलोंग करना चाहिए कोई भी रियल नंबर से, ठीक है। फिर अगर हम बोले कॉट, और यहाँ हम बोलते हैं कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर भी हमारे पास आएगा एक्स, बशर्ते हमारा एक्स बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। एंड देन अगर हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे sec इनवर्स एक्स, देन इसका भी आंसर आएगा एक्स, बस डोमेन क्या होती है sec की, सो वो होती है सारे के सारे नंबर्स जो cos के होते हैं उनको आप लोग हटा देते हैं यहाँ से। सो ये हो जाएगा -1 से लेके 1, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इस इंटरवल के बीच की चीज़। याद रखिएगा यहाँ पे 1 और -1 हमारा आंसर आ सकता है। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास होता है cosecant, तो cosec के अंदर अगर हमने cosec इनवर्स एक्स लिखा तो इसका आंसर भी आएगा एक्स, बस हमारा एक्स क्या होना चाहिए वो इस डोमेन से लाई करना चाहिए। ऑल राइट, सो ये आपके पास कुछ कंडीशंस है, याद रखिएगा। अगर आपको ये याद नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, NCERT में और CBSE के हिसाब से हमारे पास सिर्फ वही क्वेश्चंस आएंगे जो इस डोमेन में लाई कर रहे होंगे। ऑल राइट, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स के डोमेन्स क्या होती हैं और बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की डोमेन्स क्या होती हैं। ऑल राइट, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स।